बिपरजॉय नामक तूफान 15 जून को गुजरात के तट से टकराने वाला है। उसके आने के पहले ही हलचल शुरू हो गई है, तेज हवा चल रही है, बारिश हो रही है। इसके आने पर क्या होगा फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन सरकारी स्तर पर इससे निपटने के लिए तैयारियां हो चुकी है। सरकार ने कई गांव खाली करा लिए हैं, लोगों को सलाह और निर्देश दिए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सेना प्रमुखों से बात की और चक्रवात बिपरजॉय के लैंडफॉल के लिए सशस्त्र बलों की तैयारियों की समीक्षा की। चक्रवात के कारण किसी भी स्थिति की आकस्मिकता से निपटने के लिए सशस्त्र बल नागरिक अधिकारियों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी गुजरात पहुंचे और उन्होंने वहां के अस्पतालों का निरीक्षण किया, ऑक्सीजन वेंटिलेटर और बेड की जानकारी मांगी, तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर 69 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 33 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, जबकि 27 ट्रेनों को शॉर्ट ऑरिजिनेट किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह भी स्थिति का जायजा ले रहे हैं, उन्होंने अपना तेलंगाना दौरा रद्द कर दिया है, वे भी गुजरात जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री ने लोगों से घर में सुरक्षित रहने की अपील की है। इसके साथ ही गुजरात सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है, जो कि 1077 है। आप इस नंबर पर कॉल कर आसानी से संपर्क कर सकते हैं। बिपरजॉय चक्रवात संबंधी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे वेब दुनिया के साथ। यहां हम आपको चक्रवात से जुड़ी हर पल की जानकारी से रूबरू करवाएंगे।